हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 13 नवंबर बुधवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार, करियर और उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कीर्ति में वृद्धि हो सके, आप एक अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो सको, इसके लिए आज क्या करें क्या ना करें और आज आपको कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचान बनाने में कामयाब हो पाओगे। आप किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं। आपका जीवन साथी समाज में आपकी गुडविल से प्रभावित होने वाला है। इस राशि के जो छात्र आज के दिन अन्य दिनों की अपेक्षा काफी फायदेमंद साबित रहेगी। उनका ध्यान पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित रहेगा। ऑफिस में आपको किसी नए काम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है मित्रों, जिसे पूरा करने में आपकी अहम भूमिका निभाने वाली है। राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिलने के आसार हैं। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है तथा आज जो है आपकी सारी कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। आज जिस भी काम को आप अपने हाथ में लोगे वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और उससे आप ज्यादा आमदनी भी कमा पाओगे। मित्रों, आज आपका कोई अधूरा काम पूरा हो जाएगा। दूसरों की मदद करने से आपको काफी संतुष्टि मिलने वाली है। इस राशि के स्टूडेंट को करियर में सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहने वाला है। कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जिससे कि आपको काफी प्रसन्नता महसूस होने वाला है। आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। किसी समारोह में ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए बहुत खास साबित हो सकता है। मित्रों, कारोबार को बढ़ाने के लिए काफी अच्छा दिन है और आपको बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत भी अब धीरे धीरे होने लगा है। मित्रों, आप अपने जीवन से काफी कुछ सीखने वाले हो और इन परिस्थितियों को आप अपने जीने का ढाल बना सकते हैं। मित्रों, आज पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। आज काम का बोझ अधिक हो सकता है। कोई भी बड़ा कदम लेने से पहले आपको एक बार अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। किसी से बेफिजूल की बातों पर बात विवाद ना करें और ना ही किसी से आज आप बेताक होकर किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करना आपके लिए आज खतरों से भरा रह सकता है। इनसे आप सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है। मित्रों, प्रॉपर्टी डीलर के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। उनको आमदनी के कई ऐसे स्रोत उभर कर आएंगे जिनको करने से आपको काफी लाभ होने वाला है। आपके आमदनी में ज्यादा से ज्यादा इजाफा होने वाला है। रुका हुआ धन आपको आज मिल सकता है। आज आप अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार उसे सोच बूझ लें और अच्छे से जांच पड़ताल करते हुए ही निवेश करें। निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन आप अगर उसे अच्छी तरह से जानबूझकर करते हैं तभी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में जितनी भी अभी तक गलतियां हैं उन सबों से आपको सीख लेने की जरूरत है। आज किसी से बेफिजूल की बातों पर लड़ाई झगड़ा तक की नौबत आ सकती है, इसलिए आप जो हैं अपने गुस्से पर नियंत्रित रखें। सभी से आप प्रेम भाव बनाए रखें। आप जो हैं अपने अंदर के व्यक्तित्व को उभार कर लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिनसे कि लोग आपसे प्रभावित हो सकें और आपकी प्रशंसा कर सकें। मित्रों, आज आप प्रशंसा के पात्र बनने वाले हो। मान इज्जत प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होने वाली है। आज किसी बात को लेकर समझाने में आपसे चूक हो सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा। आपको किसी व्यक्ति की अच्छाई पर थोड़ा सा शक हो सकता है। ऑफिस में किसी व्यक्ति से आपकी अनबन भी हो सकती है। किसी से फालतू बहस करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। अपने काम के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाकर चलना चाहिए, तभी आपका काम समय पर पूरा हो सकेगा। मित्रों, किसी भी चीज के लिए ज्यादा परेशान होने के बजाय धैर्य बनाए रखें। आपको बताना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में आप बहुत जल्दी धैर्यवान नहीं रहते हैं।
आप जो हैं अपने मानसिक परेशानियों को बढ़ा लेते हैं और जिसकी वजह से आप तनाव में रहने लगते हैं। ऐसा करना आपके लिए मूर्खता भरा रह सकता है, इसलिए आप जो हैं अपने परिस्थितियों को समझें, उन्हें हल करने का प्रयास करें। मित्रों, आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आपके राह में आ रही बाधाएं, व्यापार में आ रही अड़चने, इन सबों को तथा आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको हर एक सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते के उपरांत आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इनसे आपके जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान मिलेगा। आपको सुखी समृद्ध जीवन जीने की राह पर चल पड़ोगे और आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। जिस भी काम को अपने हाथ में लोगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आज आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं। आप उनकी किसी बात में, किसी काम में मदद भी कर सकते हैं। आज आपकी सेहत फिट रहेगी। ऑफिस में आज कोई नया काम आ सकता है जिसे पूरा करने में आप काफी सफल रहने वाले हैं। मित्रों, आपका दिन शुभ हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो।